सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर 3 मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर 3 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने से होती है। शख्स का जो नाम है और नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीप है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है और बेहद जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफ़ी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर 3 को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत
अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं। लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर 3 में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदार को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर 3 मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर 3 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहां पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूजर है वहां पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था, और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको जरूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथवी का एडवर्ड, मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी, और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते से होती है। शख्स का जो नाम है वो नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है, और उनकी अचानक हुई मौत के बाद
उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है। और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉ की जो चीफ है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती, और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते तो हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर से को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर 3 में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदार को इतना अच्छे नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर 3 मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर 3 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था, और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी,
रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचल्ली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफी अच्छे किरदार में है और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने से होती है। शख्स का जो नाम है और नज़र जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीफ है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है और बेहद जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर से को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर 3 में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में दिखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदार को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका वेट आप सभी लोग काफी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर 3 मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर 3 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे,
जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते से होती है। शख्स का जो नाम है वो नज़र, जो अपने एक लौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है, और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है, और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीफ है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती, और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर, दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफ़ी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा, उनका लुक काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर श्रॉफ को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर श्रॉफ में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज़्यादा लगता है। जोया जरूर से ज़्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज़्यादा दुष्ट है, और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुधि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदारों को इतना अच्छे नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफ़ी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है।
अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर 3 मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर 3 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था, और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचल्ली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी, और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने से होती है। शख्स का जो नाम है और नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है, और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है, और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीप है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती, और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर, दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और बेहद जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा, और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है।
वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा, उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर श्रॉफ को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है, अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं। लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर थ्री में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है, और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदार को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर थ्री मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर थ्री 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था, और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको जरूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है, आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथवी का एडवर्ड, मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी, और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो होती है शख्स का नाम होता शख्स का जो नाम है
और नज़र जो अपने इकलौते बेटे के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीप है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर थ्री को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर थ्री में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदारों को इतना अच्छे नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्क्रीन कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर थ्री मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर थ्री 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल की यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कहानियों। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचल्ली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफी अच्छे किरदार में है और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने से होती है। शख्स का जो नाम है और नज़र जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीफ है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बचाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर थ्री को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर थ्री में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में दिखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदारों को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और स्क्रिप्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर थ्री मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर थ्री 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग जो था
इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको जरूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने से होती है। शख्स का जो नाम है और नज़र, जो अपने एक लौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है, और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है, और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीप है, मैथिली मैनन यानी कि रेवती, और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर थ्री को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर थ्री में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है, और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदारों को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कहीं सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है।
खैर पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर 3 मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर 3 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था, और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाजमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाजमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी, और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है, जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते से होती है। शख्स का जो नाम है वो नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है, और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है, और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीफ है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती, और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर, दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है,
साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर श्रॉफ को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर थ्री में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जो है जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में दिखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदारों को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर थ्री मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर थ्री 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था, और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको जरूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथवी का एडवर्ड, मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी, और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है
इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते से होती है। शख्स का जो नाम है और नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है। और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीप है, वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती, और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है। दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और वह जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है, उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर थ्री को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर थ्री में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदार को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कहीं सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर थ्री मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर थ्री 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको जरूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है,
जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते से होती है। शख्स का जो नाम है वो नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीफ है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर श्रॉफ को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर 3 में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज़्यादा लगता है। जोया जरूर से ज़्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज़्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुधि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदारों को इतना अच्छे नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबके अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर 3 मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर 3 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी।
और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचल्ली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने से होती है। शख्स का जो नाम है और नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है, और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है, और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीप है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती, और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और वह जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर से को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर 3 में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है, और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदारों को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है
जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर 3 मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर 3 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था, और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी, और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है, जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है, इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते से होती है। शख्स का जो नाम है वो नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है, और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है, और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीफ है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती, और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते तो हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर, दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं।
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर श्रॉफ को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर थ्री में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जो है जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदार को इतना अच्छे नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर थ्री मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर थ्री 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था, और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको जरूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथवी का एडवर्ड, मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी, और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है, जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है,
अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते से होती है। शख्स का जो नाम है और नज़र जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है। और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीप है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर थ्री को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर थ्री में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में दिखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदार को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और स्क्रिप्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर थ्री मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर थ्री 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे
हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचल्ली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते से होती है। शख्स का जो नाम है वो नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीफ है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर, दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा, उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर से को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर 3 में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है, और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुधि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदारों को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर 3 मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर 3 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है,
जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल की यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचल्ली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने से होती है। शख्स का जो नाम है और नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है, और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीप है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती, और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर, दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और बेहद जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफ़ी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा, उनका लुक काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर से को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर 3 में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज़्यादा लगता है। जोया जरूर से ज़्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज़्यादा दुष्ट है, और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं।
कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विधाता, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में दिखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदार को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर 3 मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर 3 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था, और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथवी का एडवर्ड, मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी, और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते से होती है। शख्स का जो नाम है वो नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है, और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है, और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीप है, मैथिली मैनन यानी कि रेवती, और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है।
कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर थ्री को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर थ्री में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदारों को इतना अच्छे नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्क्रीन कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर थ्री मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर थ्री 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था, और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथवी का एडवर्ड, मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का।
चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने से होती है। शख्स का जो नाम है और नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है। और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीफ है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर श्रॉफ को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर 3 में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में दिखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदारों को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर 3 मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर 3 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको जरूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं
तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफी अच्छे किरदार में है और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते से होती है। शख्स का जो नाम है वो नज़र, जो अपने एक लौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीप है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर से को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर 3 में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विधाता, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदारों को इतना अच्छे नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबके अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर 3 मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो।
चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर 3 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते से होती है। शख्स का जो नाम है वो नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीफ है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बचाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर 3 को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर 3 में उनका स्वैग जो है
वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में दिखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदारों को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर 3 मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर 3 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था, और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको जरूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथवी का एडवर्ड, मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी, और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है, इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते से होती है। शख्स का जो नाम है वो नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है, और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है, और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी
जो चीप है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती, और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चौरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपनी बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर थ्री को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर थ्री में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विधाता, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदार को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर थ्री मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर थ्री 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था, और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको जरूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहां पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है, और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचल्ली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं।
पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने से होती है। शख्स का जो नाम है और नज़र जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है, और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीफ है वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बचाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और बहुत जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर श्रॉफ को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर 3 में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज्यादा लगता है। जोया जरूर से ज्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज्यादा दुष्ट है, और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विद्याधर, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदारों को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। सलमान खान की एक शानदार मूवी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। अगर आप भी टाइगर 3 मूवी को देखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप सही जगह पर आ चुके हो। चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइगर 3 2023 की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी रही है, जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग 16% लोगों ने इसे लाइक किया था, और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग 89% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इस मूवी का बजट 300 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग जो था इस मूवी का 450 करोड़ का हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मनीष शर्मा रहे थे, जिन्होंने वैसे काफ़ी सारी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रखी है, और ये मूवी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई है, जो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है।
इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो अनय गोस्वामी ने निभाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सब कुछ संभाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है, पर अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मूवी को स्ट्रीम करा दिया गया है। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है। तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इसे हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल में स्ट्रीम कर सकते हैं। यह मूवी जो है वो YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है दो बड़े एक्टर का कैमियो भी मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और मूवी को दोस्तों एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं ऐसे कैमियो। अगर हम इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेदी डोगरा, विशाल जेठवा, आशुतोष राणा, अनुप्रिया जियोनिका, रेथविका, एडवर्ड मैचली, दानिश भट्ट, ऐसे आपको और भी यहाँ पर काफ़ी शानदार किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। पहली बार यहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो विलन का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार में है, और जो कैटरीना कैफ है उनका वही रोल है जोया का। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे ये मूवी कौन सी टीवी चैनल पर आएंगी और क्या ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे एक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको तगड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनाई गई है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर कहीं पर भी नहीं कराएंगी। इस मूवी की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1999 से। यह एक छोटी बच्ची है और उसके पिता बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने से होती है। शख्स का जो नाम है और नज़र, जो अपने इकलौती बेटी के साथ लंदन में रहता है। नज़र एक IAS के एजेंट है और उनकी अचानक हुई मौत के बाद उनकी बेटी भी एजेंट बनने का फैसला लेती है, और इस बच्ची की मुलाकात एजेंट आतिश रहमान से होती है, यानी कि इमरान हाशमी से होती है, जो आगे चलकर उसको उसका मैटर और परिवार बनता है। आज के वक्त में रॉकी जो चीप है, वो मैथिली मैनन यानी कि रेवती, और अपने एजेंट गोपी यानी कि रणवीर चोरी को बजाने का जिम्मा टाइगर सलमान खान को देती है। पुरानी साथ बचाते हुए टाइगर के हाथ जो जानकारी लगती है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर का सीधा सामना आतिश से होता है। आतिश टाइगर और जोया के सामने एक शर्त रखता है, दांव पर लगा होता है उनका बेटा जूनियर। दोनों उनकी बात मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आतिश रहमान का असली प्लान क्या है। इसी प्लान में फंसकर टाइगर अपने आप को देशद्रोही का आरोपी पाता है। अब टाइगर को अपने बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने ससुराल को भी बचाना है, साथ ही आतिश को रोकना है, खत्म करना है, और वह जरूरी है। क्या टाइगर ये सब कुछ कर पाएगा और क्या किन मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये आपको मूवी के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो इमरान हाशमी है उनका रोल काफ़ी बढ़िया है, आपको पसंद जरूर आएगा। उनका लुक काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। टाइगर से को देखने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग आ सकती है, या फिर आपका टाइम जल्दी पास हो सकता है। अगर आप फ्री है तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं निकली जितना आप सोच रहे हैं। सलमान खान के किरदार में टाइगर को हम सभी ने स्वैग में देखा है, लेकिन टाइगर 3 में उनका स्वैग जो है वो कम और थका हुआ ज़्यादा लगता है। जोया जरूर से ज़्यादा मजबूर और आतिश जरूर से ज़्यादा दुष्ट है, और परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों एक्ट्रेस ने किरदारों को अच्छे निभाया है, लेकिन जो आपको ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, कुमुद मिश्रा, गहले चौहान, अनंत विधाता, रेवती, रुद्धि डोगरा, विशाल जेठवा जैसे बढ़िया एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखा गया है। सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी किरदार को इतना अच्छा नहीं दिखाया गया है जो कि आपको इमोशनल कनेक्ट कर सके। फिल्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे लेकर बार बार आपके मन में सवाल आते रहेंगे। मूवी के कई सीन काफ़ी बचकाने हैं। डायरेक्टर मनीष शर्मा ने स्टोरी और सरकास्ट तो अच्छी ले ली है, लेकिन स्क्रीन प्ले सही संभाला नहीं है। खैर, पसंद सबकी अलग रहती है, इसलिए आप इसे खुद देखिए। ये मूवी आपको पसंद आती है या नहीं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे यकीन है कि मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक एक्शन लवर है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ चुकी है, अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर जाकर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं।